मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। मुखर बाखबर में आपका स्वागत है। मुखर बाखबर उन खबरों को लेकर आता है जो खबरें आपके लिए बेहद ही जरूरी होती हैं, जो आपके सरोकार की होती हैं। तो मुखर संवाद क्या मुखर बाखबर आज आपको लेकर आया है। कल मतगणना होनी है और सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगा और लगभग शाम तक पूरा जो स्थिति है वो स्पष्ट दिखाई देगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो तस्वीर होगी, राजनीतिक तस्वीर, उसका अंदाज़ा लोग लगा रहे हैं। उसी अंदाजे पर हम बात करेंगे एग्जिट पोल को लेकर। एग्जिट पोल ने जिस तरह से 5 राज्यों के चुनावी समीकरण बताए हैं, उसके बाद से ये लगता है कि एग्जिट पोल को लेकर कई धारणाएं भी टूटेंगी। जिस तरह से राजस्थान में सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए जो एग्जिट पोल ने बताया है कि एग्जिट पोल में कई जगहों पे वहाँ पे बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन उससे ज़्यादा कांग्रेस की भी सरकार वापसी की कई एग्जिट पोल दावेदारी कर रहे हैं। यानी 30 वर्षों के इतिहास में ये पहली बार होगा अगर कांग्रेस दोबारा वहाँ सत्ता प्राप्त करती है। ऐसी स्थिति में वो टर्म टूट जाएगा जो टर्म लगातार वहाँ बना रहता है, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, ये टर्म लगातार पिछले 30 वर्षों से होता रहा है। लेकिन अब इस बार कई एग्जिट पोल के दावों के अनुसार वहाँ पे अशोक गहलोत अपना जादू दिखाएंगे। यानी कहा जा सकता है कि जादूगर रहे अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनका जादू यहाँ पर चल सकता है। एग्जिट पोल के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो सबसे सटीक जो चुनावी सर्वे और नतीजे आए हैं, जो लोकसभा चुनाव में 2014-2019 में जिसने सबसे अच्छे आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, वो उस आंकड़े पर ही हम बात करते हैं। न्यूज़ 24 चाणक्य का जो एग्जिट पोल था वो सबसे नज़दीक था। वहाँ पे सबसे पहले बात हम मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में यहाँ पर बीजेपी को प्रोजेक्ट करते हुए बताया जा रहा है। बीजेपी 151 सीटें लेकर वहाँ सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। यानी मध्य प्रदेश में जो चुनावी आंकड़ा बेहद ही नज़दीक था, कमलनाथ के कई दावों के वजह से जो गलत दाव थे वो दाव उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 70 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना उनको राजनीतिक नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। यादवों के बेल्ट में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने 70 प्रत्याशी उतार कर जो स्पष्टीकरण दिखाई दिया है, और जो कांग्रेस के वोट बैंक है वहाँ पर सेंध लगाकर उसने बीजेपी को कहा जाए कि फायदा पहुँचाया है। कांग्रेस को नुकसान हुआ तो बीजेपी को वहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई दिया। यानी कमलनाथ का वो बयान कि अखिलेश वखिलेश वाले जो बयान वाला जो बयान था वो बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहाँ पर डैमेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी कारण से अखिलेश ने जिस तरह से कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी बताकर वहाँ पर अपने 70 प्रत्याशियों को उतारा और काफ़ी दमखम से उन्होंने चुनाव लड़ा, वो यहाँ पर भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करेंगे कि जो मामले हैं, जो मामले अब छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ में आप अगर देखेंगे तो यहाँ भी जो एबीपी और सी वोटर का जो परिणाम दिखाई दे रहा है उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो वास्तविकता है वहाँ पर, वो इससे अलग दिखाई देते हैं। वहाँ कांग्रेस की सरकार बन सकती है और कांग्रेस ने जिस तरह से वहाँ पर तमाम जो महादेव ऐप वाली मामले हो वो तमाम बातों और आरोपों के बावजूद कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और कांग्रेस वहाँ पर सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे जो बता रहे थे वो बीजेपी के पक्ष में वहाँ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से कहना है कि महतारी वंदन योजना जो है वो उनके काम आ सकती है, वहाँ पर वो उसके प्रति काफ़ी रुझान दिखाई दिया है। अब बात करेंगे मिजोरम की। मिजोरम में यहाँ पे MNF और ZPM की जो के आंकड़े हैं
वो यहाँ पर अधिक दिखाई दे रहे हैं। वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, वहाँ पे चुनावी बयार कुछ और भी बढ़ सकती है, यानी कहा जाए कि ZPM यहाँ पर कुछ करता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी आंकड़े जो बता रहे हैं उन आंकड़ों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़े निश्चित रूप से प्रोजेक्टेड जो दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। यानी ये कहा जाए जो मिज़ोरम है वहाँ पर सरकार यहाँ पर ZPM जो पार्टी है, यानी जो एक IPS अधिकारी ने रिटायरमेंट के बाद अपनी पार्टी बनाकर उन्होंने चुनाव लड़ा है और उन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है। वहीं अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में कांग्रेस यहां सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस जिस तरह से कुल मिलाकर हम कहें जो तमाम एग्जिट पोल हैं उसके निचोड़ में अगर जाएंगे तो यहाँ कांग्रेस और BRS में मुकाबला है। जो चंद्रशेखर राव हैं उनकी पार्टी जो TRS थी पहले, अब BRS है। यानी मुकाबला वहाँ पर BRS के साथ जो MIM की पार्टी है, जो OIC की पार्टी है, वो साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस वहाँ पर लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। यानी तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बन सकती है। यानी यूं कहा जाए राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो यहाँ कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो 30 वर्षों का मिथक टूटेगा। वहीं मिज़ोरम में ZPM की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में BJP की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी बड़ा वहाँ नुकसान कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि भूपेश बघेल के कार्यों को अधिक प्रोत्साहन यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। महादेव ऐप को लेकर जिस तरह से उन पर आरोप लगे उसके बावजूद जिस तरह से उनके काम है ग्रामीण इलाकों में, वहाँ पे आदिवासियों की संख्या 32% है, 32% मतदाता हैं आदिवासी, और आदिवासियों का वोट बैंक यूं कहा जाए कि यहाँ पर कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक अलग विडंबना ये कहेंगे कि सुकमा जो बस्तर का इलाका है उस बस्तर के संभाग में यहाँ BJP पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। अगर मुकाबले की बात करें तो इसी इलाके में BJP मुकाबला कड़ा दे रही है। वहीं तेलंगाना की अब बात करेंगे तो तेलंगाना में यहाँ पे कांग्रेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है। हालांकि BJP ने वहाँ चुनाव लड़ा लेकिन वो दमखम नहीं दिखाया। अगर दमखम कम दिखाया होता तो निश्चित रूप से कांग्रेस को और फायदा होता और ऐसी स्थिति में BRS जो है वो मुकाबले में काफ़ी पिछड़ती हुई नज़र आती। शायद राजनीतिक जो टेक्निकल चीज़ें हैं, राजनीतिक रणनीति, वो उस रणनीति के तहत BJP ने कमज़ोर यहाँ पर प्रचार किया और कमज़ोर तरीके से चुनाव लड़ा। उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी पीछे रखा, हालांकि जो स्थितियाँ दावे कोई भी कर ले, लेकिन जो फिलहाल तेलंगाना में स्थिति है BJP के पास 10 से अधिक सीटें नहीं मिल पाएंगी। ऐसी स्थिति में वहाँ पर कांग्रेस को बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अब लगभग 12 घंटे का ही समय बचा हुआ है, 12 घंटे के बाद आपको चुनावी रुझान मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि तमाम तरह के जो चुनावी आंकड़े हैं उन आंकड़ों की निचोड़ हमने ये बताया है कि जिस तरह से चुनावी नज़दीकियों के लिए हमें इंतज़ार करना होगा उसी तरह से एग्जिट पोल पर शायद विश्वास न हो और कोई चमत्कार हो जाए तो कहा नहीं जा सकता। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।